या विरोध में कोई भी बोलता है, कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी प्रोफेशन का, उसके पीछे सीबीआई भी इनकम टैक्स लगा दी। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिस दिन हम लोगों का ट्रस्ट वोट था उसी दिन छापे मरवा देते हैं। अरे देश में बड़ा बड़ा मैसेज जो है पूरी विपक्षी दलों को गया है, किसी से छुपा नहीं है। तो सब लोग जो विपक्ष एक तरह से ठहरा पड़ा था, उसमें अचानक से जो है पूरे देश भर के विपक्ष में ऊर्जा आई है। और सब लोगों का यही है कि अब जो है 2024 वाला जो काम जो है वो पूरा हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर नेशन में, आपके साथ तबजीत सिंह। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष आवाज़ उठाती है तो उन लोगों ने सीबीआई और ईडी का छापामारी कर देते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बिहार में सरकार बन रही थी उस टाइम भी ईडी और सीबीआई की छापामारी करवाई गई थी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग 2024 के मिशन में लग चुके हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले हैं, तो हम लोग 2024 तक विपक्ष को एकजुट कर लेंगे और 2024 में बीजेपी को केंद्र से हटा देंगे। क्या कुछ कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। बिहार अगर हम लोग अच्छे से काम कर दें तो 272 के नीचे आ जाएंगे। तो ये सब चीज है, इससे लोग डरे हुए हैं। तो काम क्या है भाई, जो ज्यादा विपक्ष में बोलता है या विरोध में कोई भी बोलता है, कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी प्रोफेशन का, उसके पीछे सीबीआई भी इनकम टैक्स लगा दी। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिस दिन हम लोगों का ट्रस्ट वोट था उसी दिन छापे मरवा देते हैं। तो ये सब काम ये लोग करता रहे हैं, इसकी चिंता हम लोगों को नहीं करनी है। हम लोगों को बस अपने लक्ष्य के प्रति काम करना है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सभी समाजवादी लोग अब एकजुट हैं। जो लोग बिखरे हुए थे और भी कहीं बिखरे होंगे तो उनको भी हम लोग जोड़ करके सभी समाजवादी लोग दिखी। जो ऊर्जा थी उसको हम लोग याद करते हुए लेते हैं, चीज़ों का कम से कम पूरा कर दीजिए। तो हाँ, इसको ज़रूर देखेंगे। इसको कहाँ से चलिए एक बार फिर से हम लोग उस चीज़ को, क्योंकि अभी अभी नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और इस देश में बड़ा बड़ा मैसेज जो है पूरी विपक्षी दलों को गया है, किसी से छुपा नहीं है। तो सब लोग जो विपक्ष एक तरह से ठहरा पड़ा था, उसमें अचानक से जो है पूरे देश भर के विपक्ष में ऊर्जा आई है। और सब लोगों का यही है कि अब जो है 2024 वाला जो काम जो है वो पूरा हो जाए। लोगों को विश्वास कर रहे हैं, अब तो पीछे आ ही गया है। अब हर बार थोड़ी ना बिहार में जो है 40 से 40 जीत के गया था, मतलब तो उल्टा होगा। अब हम उनको एक सीट के लिए यहाँ पर रखना पड़ेगा, जो यहाँ महागठबंधन राजस्थान जैसे जगहों पर जहाँ जीरो था विपक्ष, जरूर हम लोग कामयाब होंगे। और आप लोगों का साथ मिलेगा तो हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राप्त करेंगे। इसलिए आप सब लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब इसी मंच पे हम दिनेश ठाकुर जी को भी बधाई देते हैं कि पहला कार्यक्रम है हम लोगों का साथ में बाहर। अब बने हैं सभापति को, तो ये हम लोग एक स्टेडियम ना है, हम लोग के संरक्षक तो यही है विधान परिषद में। और हम लोगों का पुराना सब लोगों से रिश्ता रहा है, कभी रघुवीर से रिश्ता रहा है, मेरे पिताजी के साथ रिश्ता रहा, कहीं भी कोई भी दल में रहे हों, लेकिन इनका रिश्ता जो है सभी लोगों से मधुर रहा है, अच्छा रहा है। तो हम उनको भी बधाई देते हैं और अपनी बात को फिर से रघुवंश जी के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं।